Assalamualaikum. Today we will start chapter number eighteen, that is alcohol, phenols, and ether. The, if you observe the structure of alcohol, phenols, and ethers, they are very close to the water. इफ़ यू विल ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर दैन यू विल सी डैट ऑक्सीजन इज सराउंड बाई टू हाइड्रोजन एटम्स ठीक है ऑक्सीजन के टू लोन पेयर्स हैं और दो हाइड्रोजन ऐटम उसके साथ अटैच हैं वो वाटर का आपका स्ट्रक्चर है नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है अल्कोहल तो उसमें वाटर जैसा ही स्ट्रक्चर है जस्ट हाइड्रोजन की जगह एक आपका अल्काइल ग्रुप आ गया ठीक है इट मे बी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल एंड सो ओन नेक्स्ट फिनोल फिनोल को देखें तो उसमें बेंजीन रिंग आ जाती है डैट इज़ सी सिक्स एच फाइव तो वाटे जैसे ही इन सब के स्ट्रक्चर है जस्ट आपका हाइड्रोजन की जगह अल्कोहल में आर ग्रुप आ गया फिनोल में सी सिक्स एच फाइव और ईथर में आपके दोनों हाइड्रोजन की जगह आर आर ग्रुप आ गए तो देर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन दिस स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द अल्कोहल अब एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं होती ठीक है तो जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं होती आर नोन एज एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो आपने वो ले लेने हैं अगर उनके साथ ओएच ग्रुप अटैच होगा देन इट इज़ नोन एज अल्कोहल ठीक है अल्कोहल कंटेनिंग वन ओ एच ग्रुप कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ठीक है अगर एक आपके पास ओ एच ग्रुप एक ही अटैच है अल्काइल ग्रुप के साथ देन इट इज़ नोन एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मोनोमेज वन हाइड्रिक मेंस की यहाँ पे ओ एच ग्रुप जो अटैच है वो एक ही है अल्कोहल मेंस के ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं अगर टू ओ एच ग्रुप अटैच होंगे तो वो पॉलीहाइड्रिक होंगे टू होंगे तो वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल थ्री होंगे तो वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल फोर होंगे टेट्राहाइड्र हाइड्रिक अल्कोहल ऑन अगर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल नज़र आ रही है डेट इज़ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तो उसमें क्या है कि एक ओ एच ग्रुप अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है तो सो इट विल बी नोन एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल नेक्स्ट एग्जाम्पल डाई हाइड्रिक अल्कोहल उसमें क्या है डाई मीनस टू टू ओ ग्रुप अटैच है अल्काइल ग्रुप के साथ सो इट विल बी डाई हाइड्रिक अल्कोहल क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मोनोहाइड्रिक आगे फर्दर क्लासिफाई हो जाते हैं इनटू थ्री कैटेगरीज दैट आर प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर इसमें डिफरेंस आ जाए तो आपका जो प्राइमरी अल्कोहल होगा उसमें क्या होता है जो ओ एच ग्रुप होगा वो अटैच होगा एक ही कार्बन के साथ ठीक है मीन्स के ओ एच जो है वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच होगा जो फर्दर आगे किसी के साथ अटैच नहीं होगा या फिर एक कार्बन के साथ अटैच होगा जैसे कि यहाँ पर अगर मिथाइल अल्कोहल होता तो सी एच थ्री ओ एच होता इथाइल अल्कोहल है यहाँ पे तो इट्स मीन ओ एच ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर आगे एक कार्बन के साथ अटैच है आगे आप सेकेंडरी अल्कोहल की एग्जाम्पल देखें तो उसमें ओ एच ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो कार्बन आगे फर्दर टू कार्बन के साथ अटैच है इट मीनस के सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्शियरी अल्कोहल में क्या होगा ओ एच ऐसे कार्बन के साथ अटैच होगा जो फर्दर थ्री के साथ आगे थ्री कार्बन के साथ अटैच होगा ठीक है ये डिफरेंस आ जाता है प्राइमरी स्केंडियन टर्शरी अल्कोहल में नेक्स्ट इज द नोमन क्लेचर कॉमन नेमिंग कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग कॉमन सिस्टम में अगर आप देखें तो अल्कोहल की नेमिंग कैसे करते हैं कि आपने सबसे पहले अल्काइल ग्रुप का नेम ले लेना है और उसके बाद अल्कोहल का ठीक है इट्स मीन फॉर एग्जांपल सी टू एच फाइव ओ एच है तो ये इथाइल ग्रुप है तो आर ग्रुप जो है वो इथाइल है और ओ एच अटैच होने की वजह से ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग कर रहा है इथाइल अल्कोहल नेक्स्ट इज़ द बेंजाइल अल्कोहल ठीक है बेंजाइल ग्रुप अटैच है तो ये बेंजाइल अल्कोहल आयोपेक्स सिस्टम अगर आप देखें तो उसमें उसी तरह जिस तरह आपने अल्कन अल्क अलकाइ बेंजीन वगैरह की नेमिंग की है इसी तरह आपके ने इन अल्कोहल की नेमिंग करनी है तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है लॉन्गेस्ट चेन को स्लेक्ट करना होता है तो लॉन्गेस्ट चेन आपने ऐसी स्लेक्ट करनी है जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो ठीक है वो आपका आपने उस चेन को जो नेम देना है वो पेरेंट नेम होगा ठीक है फिर आपने जो एंडिंग करनी है अल्केन में आप एन ई से एंड करते हैं अल्कीन में ई एन ई से इस तरह अल्कन में वाई एन ई से अगर आपने अल्कोहल की नेमिंग करनी है तो आपने एंड जो करना है अल्केन ग्रुप में से जो अल्काइल ग्रुप होगा उसमें से आपने एंड पे ओ एल लगाना है मथानोल एथानोल ठीक है प्रोपानोल इस तरह ओ एल से एंडिंग करनी है फिर आगे पोजीशन जो है आपने हाइड्रोक्सी ग्रुप की इंडिकेट कर देनी है तो वो पोजीशन कैसे इंडिकेट करते हैं कि यह हाइड्रोक्सी ग्रुप किस कार्बन के साथ अटैच है जिस तरह आपने वो फंक्शन ग्रुप की नेमिंग करते हैं इस तरह आपने इसके भी नेमिंग करनी है तो आपने जहाँ पे फंक्शन नंबरिंग सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है तो जब भी नेमिंग करेंगे ओ एल से एंड करना है और फंक्शन ग्रुप जो ओ एच है उसकी पोजिशन बता देनी है तो पोजिशन कैसे बताएंगे आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पर ओ एच आपका क्लोज होता है तो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है अगर तो एक ग्रुप अटैच है तो आपने उसी तरह ओ एल लगा देना है ठीक है मैथानोल एथनोल हेक्सानॉल एक्सेट्रा ठीक है अगर एक से ज्यादा अटैच है तो आपने डाईल अगर टू अटैच है डाई ओल थ्री है तो ट्राई ओल टेटरा ओल पेंटाओल इस तरह आपने यूज़ करते जाना है फिर उनकी पोजीशन भी बता देनी है कि कौन सा ग्रुप किस कार्बन के साथ अटैच है हमें इसकी पोजिशन भी बतानी है जिस तरह यहाँ पर आपको टू एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं सी एच टू सी एच टू उन दोनों के साथ ओ एच OH ग्रुप अटैच है इट्स मीन कि यहाँ पे आपने लॉन्गेस्ट चेन तो आपकी यही बनी ठीक है तो उसमें दो आपके एथनॉल हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है वो किस किस पोजिशन पर अटैच है फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन पर तो वन टू और ये क्या है इथेन इथेन डाए ठीक है अगर आप कॉमन नेमिंग करते हैं तो इथाइल अल्कोहल बेंजाइल अल्कोहल या फिर एथानोल मैथानोल उस तरह से करते हैं लेकिन जब आप आयोपैक नेमिंग करेंगे तो आपने डायोल ट्राइल वगैरह यूज़ करना है मीस के पोजिशन बतानी है उसके बाद अल्काइल अल्किन या अल्कन जो भी ग्रुप अटैच होगा वो अल्काइल ग्रुप वो आपने बताना है फिर आगे ओ एच की वजह से डायोल ट्रायोल टैटोल एंड सोन so ठीक है तो वन टू इथेन डाओल और इथेन वन टू डायोल ठीक है और इसका स्पेशल नेम क्या है ग्लाइकोल नेक्स्ट आपके थ्री आगे कार्बन है तो थ्री होंगे तो वो प्रोपेन तीन जो है आपके पास हाइड्रोक्सिक ग्रुप अटैच है तो ट्राईओल वो किस किस पोजीशन पे अटैच है वन टू और थ्री पोजीशन पे तो इसको ग्लाइसिरोल कहा जाता है ये कॉमन नेमिंग जो है ये ब्रैकेट्स में शो की गई है आगे सेचूरेट अनसेचूरेट अल्कोहल अनसेचूरेट मीन्स कि जिसमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड ठीक है तो वो आपके अनसेचूरेट अल्कोहल होंगे उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप को लोएस्ट नंबर दे देना है ठीक है कि जैसे कि टू ब्यूट मीन्स के जैसे आपने नंबरिंग करनी है तो आपने डबल बॉन्ड की नंबरिंग अनसेचूरेटिड में आपने क्या करना था कि अन सेचूरेट कौन से होते हैं जिसमें वलन्सी ऑफ द कार्बन इज सेटिसफाई बाई द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो इसमें क्या है कि आपकी अल्कि फैमिली आ जाती है तो आपने हाइड्रोक्सी को लोएसट नंबर दे देना है ठीक है इट्स मेन कि ये आपके पास फोर कार्बन आ रहे हैं तो ये ब्यूटीन ठीक है और उसके बाद ओ एच ग्रुप किस कार्बन के साथ अटैच है फर्स्ट कार्बन के साथ मीन्स के वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है और सेकंड कार्बन के साथ आपका मीन्स के अल्किन ग्रुप अटैच है तो वो टू पोजीशन दे दी जिस तरह आपने अल्किन की नेमिंग की है ना उसी तरह तो इस तरह से आपने नेमिंग करनी है